असम में खेत की दोला इलाके में करोड़ों की चोरी मामले में प्रदेश सरकार ने आईपीएस सरीखे अफसर को सस्पेंड कर खलबली मचा दी है। सीएम खट्टर की माने तो आईपीएस धीरज सोतिया के खिलाफ तफ्तीश चल रही थी और करोड़ों की चोरी में इन्वॉल्वमेंट के चलते धीरज सोतिया को सस्पेंड कर मामले की कार्रवाई की जा रही है। जो भी कोई दोषी मिलेगा, किसी भी लेवल का अधिकारी हो, कोई प्राइवेट व्यक्ति हो, जहां भी हमें कोई प्रमाणित ऐसी चीज मिल जाएगी, किसी को छोड़ेंगे नहीं। उस डीसीपी की इन्वॉल्वमेंट उसमें निकली है और उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रही है, कुछ लोग उसमें पकड़े गए हैं, पैसा भी लगभग 6-7 करोड़ रुपए के आसपास रिकवर भी हुआ है और वो चोरी ऐसा बताई जा रही है कि 30 करोड़ और 50 करोड़ के बीच में एकदम पता नहीं है कि कितनी हुई होगी। वो तो जब रिकवरी होगी या जो इन्वेस्टिगेशन में विषय आएगा तभी पता लगेगा, लेकिन उस पर लगातार हमारी पुलिस जो है इन्वेस्टिगेशन कर रही है। जानकारी के मुताबिक चोरी को अंजाम देने से पहले आरोपी उस बिल्डिंग में किराए के फ्लैट पर रह रहे थे और उसके बाद पूरी योजना बनाकर चोरी को अंजाम दिया गया। चोरी इतनी बड़ी है कि खुद जिस कंपनी में चोरी हुई उसे पता ही नहीं कि रकम कितनी बड़ी है। दरअसल एसटीएफ की तफ्तीश में आईपीएस धीरज सोतिया का नाम आते ही हड़कंप मच गया। धीरज सोतिया को एसटीएफ बीते कई दिनों से इन्वेस्टिगेशन में शामिल होने का नोटिस जारी कर रही थी, लेकिन धीरज सोतिया इन्वेस्टिगेशन में शामिल नहीं हो रहे थे। इस मामले में गैंगस्टर विकास लगनपुरिया और उसके गुर्गों का हाथ बताया जा रहा है, जो अभी तक फरार चल रहा है। डॉक्टर नावर ने आगे फिर सलाह इसको दिया है, विकास लगनपुरिया को। विकास लगनपुरिया को ये चार साल से जानते थे डॉक्टर नावल। जो विकास लगनपुरिया का जो चाचा है वही इनके पास ड्राइवर था, जोगिंदर। तो वो जानते हैं इस कारण से ड्राइवर है, ये नहीं कि ये ड्राइवर है इस कारण से, वो जानते हैं। सो विकास लगनपुरिया को जानते थे, तभी उसका चाचा यहाँ ड्राइवर हुआ। तो फिर वो इन्होंने उनको बोला, सो आपस में एग्री किया है कि चोरी कराओ, फिर हम आपस में बांट लेते हैं। अभी तक जो सामने आई है यही पिक्चर सामने आई है। अभी तक कितने करोड़ का ये मामला या लाख का ये मामला अभी तक सामने आया जी? वो तो जिसकी चोरी हुई है वो सामने आके बताएंगे तो पता चलेगा कि कितनी चोरी हुई है। अभी जिन ने जो चोरों ने जिन्होंने पैसा लिया है उनसे रिकवर कर रहे हैं, उसके मुताबिक हम ऐड करते जा रहे हैं। सो जो अभी तक जो डिस्क्लोज हुआ है इससे अंदाज़ा है ये कोई कम पैसा नहीं है, 15-20 करोड़ से कोई कम नहीं होगा, जो हमारा अंदाज़ा है। वी कैन नॉट कंक्लूसिवली से कि ये इतना पैसा है। अच्छा, क्या कुछ रिकवर किया है सर आपने उनसे? ये दो से तो ये जो दो हमारे सामने सरेंडर हुए वो तो लेके ही आए हुए थे। सो एक करोड़ 90 लाख का नकद जो इंडियन करेंसी, 3 किलो सोना जो 1.5 करोड़ का वर्थ हो गया, और लगभग 64,500 US डॉलर। अच्छा, इस पैसे को कैसे इन्होंने कन्वर्ट किया? ये इट्स मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ये शायद विकास गुलिया को, इन दोनों को तो पता ही नहीं है। इन्होंने पैसा मंगाया विकास लहरपुरिया से, जो इन्होंने जो दो लड़कों ने, तो इनको पता नहीं है कि ये पैसा कन्वर्ट कैसे हुआ है, सोना में कैसे कन्वर्ट हुआ है, या सोना ही था चोरी किया इन्होंने, डॉलर ही चोरी किया है। दीस थिंग्स आर मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। बता दें कि बीते 20 अगस्त को खेत के दौला थाने में 50 लाख की चोरी का मामला दर्ज किया गया था, जिसमें गैंगस्टर विकास लगनपुरिया ने अपने गुर्गों के माध्यम से इस करोड़ों की चोरी को अंजाम दिया था और उस वक्त धीरज सोतिया डीसीपी वेस्ट का चार्ज संभाले हुए थे। एसटीएफ गुरुग्राम अभी तक सनसनीखेज मामले में दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल में तैनात विकास गुलिया गुरुग्राम के दो नामी डॉक्टरों के साथ अन्य लोगों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 6-7 करोड़ कैश गोल्ड US डॉलर बरामद कर मामले की तफ्तीश में जुट गई है। अभी तक किसी को नहीं पता कि कितने की चोरी हुई है, सिर्फ नकदी चोरी हुई है या फिर गहने और डॉलर भी उसमें शामिल है। बहरहाल आईपीएस के इस मामले में इन्वॉल्वमेंट ने सबको चौंका दिया है। गुरुग्राम से मोहित कुमार, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।